अलैकुम, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? आज हफ्ते का दिन है और 11:40 हो गए। वैसे तो आज छुट्टी है, लेकिन कुछ दोस्त इंचन से आ रहे थे, उनसे मुलाकात करेंगे और यार्ड पे जाएंगे। दो तीन गाड़ियों के काम थे वो करेंगे, तो जुड़े रहेगा इंशाल्लाह। आज फिर मज़ा आएगा और वीकेंड भी है, तो वीकेंड पे आपको यहाँ पे हमारे घर के सामने काफ़ी मतलब शुगल मेला लगा रहता है, तो शाम के टाइम वो भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ी रहिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। यार्ड पे आ गए हम लोग, यार्ड पे आके बाहर गए। डिमांड थी कि कुछ गाड़ियों के इंजन नंबर और चेसिस नंबर निकालने थे, वो निकालते हैं। ये गाड़ी है, इस तरह की तीन गाड़ियाँ एक बायर ने खरीदी हैं एक जैसी, इनके चेसिस नंबर और इंजन नंबर निकाल के देने हैं उनको, तो ये निकालते हैं। एक ये काम था और एक गाड़ी की सिर्फ तस्वीरें बनानी। आज दिन के लिए बस इतना ही। ग्रैंड स्टार इसका जो इंजन नंबर और चेस नंबर है वो कैसे ढूंढा जा सकता है, ये ढूंढते हैं। तो इसका जो चेसिस नंबर होता है, कोरियन में चेसिस खाकचा बोलते हैं, वो पैसेंजर साइड डोर की सीट के नीचे होता है। और जो इसका इंजन नंबर है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको इसका चेसिस नंबर दिखाता हूँ। वो स्टिकर जो राइट साइड पे वो तो लगा ही लगा है। और पैसेंजर साइड का डोर खोलेंगे, ये वाली पट्टी और ये अंदर है, ये जो पट्टी है पूरी ये चेसिस नंबर की पट्टी है। ये इसका चेसिस नंबर स्टार एक्स। अब हमने चेसिस नंबर जो है वो इसका हमने ढूंढ लिया, वो है इस साइड पे पैसेंजर साइड की सीट के नीचे। और अब हम इसका चेक करेंगे इंजन नंबर। इंजन नंबर जो होता है वो होता है, जैसे बोनेट ओपन करेंगे इंजन नंबर ढूंढने के लिए, सबसे पहले इसका ये वाला पोर्शन जो है वो डिटैच करेंगे। इसका अगर आप देख सकें तो इसका इंजन नंबर यहाँ से अंदर करके होता है, यहाँ पे नीचे करके। सबसे पहले इस पोर्शन को डिटैच किया जाएगा, डिटैच करके फिर इससे खोलते हैं। सबसे पहले इसको खोला जाएगा। इंजन नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जाके ये वाली जो ब्लैक जगह आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली यहाँ पे होता है, इसको क्लीन करेंगे और यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से अंदर जाके तो इसके लिए केमिकल लाने पड़ेंगे, सबसे पहले केमिकल लेके आते हैं और केमिकल लेके आके तो इसको साफ़ करते हैं। तीन गाड़ियों के करने, इंजन नंबर क्लीन करने के लिए हमें दो केमिकल की ज़रूरत है। एक तो ये WD-40 होता है और दूसरा होता है इंजन क्लीनर। इससे इंजन जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, जिससे ऑयल के रस्ट, ऑयल जमा होता है, जंग लगा होता है, तो वो उसको क्लीन करेंगे। क्योंकि ये गाड़ी 2015 की मॉडल है और 8 साल पुरानी है, उसमें ऑयल जंग होगा, उसको उतारने के लिए WD-40 और हम यूज़ करेंगे इंजन क्लीनर। तो ये दोनों यूज़ करके उसको नीचे से क्लीन करके इंजन नंबर निकालेंगे। पहले जो WD-40 है इसको यहाँ से इसकी ये लॉन्ग नोज की मदद से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करके दोनों को इकट्ठा। अप्लाई करके 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर इसको इस वाले कपड़े से या इस वाले कपड़े से साफ़ करेंगे। साफ़ करके फिर चेक करते हैं भी वो डस्ट क्लीन होती है या नहीं होती। 1 मिनट हो गया, अब हमने इसको क्लीन किया, ये देखें कितनी डस्ट निकली है। इसको क्लीन करके अब हम अपने आईफोन की मदद से इसकी पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक फ्लैश ऑन करना पड़ेगा। वाह, बड़ा ही क्लीन हो गया। या इधर आपको सही नज़र ना आए तो मैं साथ इसकी पिक्चर अटैच कर दूंगा। ये वाला काम आज हमारा हो गया है, तो चलें अब चलते हैं। चेसिस नंबर निकल आया था, अब दोबारा से इसको पैक करके इसकी ये जो पिन है ये दोबारा लगा देंगे। और अपनी चीज़ें
उठा लेंगे। उस गाड़ी का हमने इंजन चेसर निकाल लिया, अभी रह गया इस गाड़ी का और इस गाड़ी का। तो इस गाड़ी का भी इंजन और चेसर नंबर वैसे ही निकालेंगे जैसे उस गाड़ी का निकाला था। चेसिस नंबर पैसेंजर साइड सीट के नीचे, पैसेंजर साइड सीट के नीचे। इंजन नंबर वही आगे से एग्जॉस्ट निकाल के स्प्रे करके साफ़ करके उससे निकाल लेंगे। हाँ, हमने इंजन नंबर और चेसिस नंबर गाड़ियों के निकाल लिए, कंप्लीट कर लिए। अब हम बनाएंगे जो गाड़ी उसकी पिक्चर्स बनाएंगे। इतने में हमारे दोस्त भी आ जाएंगे 10 मिनट तक, उनको यहीं का एड्रेस दिया, वो यहीं पर आएंगे, गपशप लगाएंगे। खाने का टाइम है, फिर खाना खाने जाएंगे। नमाज का भी टाइम है, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तो आपको अपडेट करते हैं आज की न्यू रूटीन से। गाड़ी की पिक्चर्स भी बना ली हैं, अब नमाज़ पढ़ते हैं। दोस्त अभी तक नहीं आए, उन्होंने अभी कहा था कि 10 मिनट तक हम पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचे। अब इतनी देर में नमाज़ पढ़ लेते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर मिलते हैं आपको। ये है जी उज़्बेकिस्तान रेस्टोरेंट। दोस्त आते हैं तो इसलिए उनकी वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा। तो इसका इंटीरियर चेक करें, बहुत ही प्यारा होटल है और इस होटल का खाने का टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। तो चेक करें इंटीरियर, माशाल्लाह बहुत प्यारा इंटीरियर है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, वो छोटे छोटे के। और यहाँ से आगे जी हमारा है खाना, ये भी खाना बहुत प्यारा है। राइस और बारबेक्यू, और इसको मस्तव बोलते हैं, ये बहुत वेजिटेबल, बहुत ही मज़े का था खाना। तो दोस्तों के साथ मिलके खाना खाया, खाना खा के यार्ड पे आ गए थे। तो वो जो दोस्त हैं वो, उनकी अपनी गाड़ी ख़राब हो गई, वो अपनी गाड़ी यहीं पे छोड़ के जाएंगे। तो ये गाड़ी उनको पसंद आई है, चेकिंग कर रहे हैं। ये मर्सिडीज एस 500 है, लॉन्ग में 2013 का मॉडल है। ये उनको अगर समझ आती है तो ये वो ले लेंगे। वन चेक करें अंदर से सारे फंक्शन, क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी लाइट यहाँ से डैमेज है, लाइट डैमेज है। और ये एयर एयर पंप है, वो अपनी गाड़ी पे आए थे लेकिन उनकी गाड़ी का बेल्ट टूट गया। वो अपनी गाड़ी आज यहीं पे खड़ी करके जाएंगे, बेल्ट टूट गई है तो वो अब वापस नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते इस गाड़ी पे। ये गाड़ी यहीं पे खड़ी करेंगे और ट्रेन पे वापस जाएंगे। ये देखें, इस गाड़ी की बेल्ट टूट गई है, उनकी गाड़ी की। तो आज सैटरडे है, कल संडे है, 2 दिन वर्कशॉप बंद है। कोरियन को कॉल की थी, वो कह रहे हैं कि वर्कशॉप बंद है तो ये ठीक नहीं होगी, इसलिए ये गाड़ी मंडे को रिपेयर करके वापस भेज देंगे। ये जी आज यार की सिचुएशन, क्योंकि आज छुट्टी है, बस दोस्त ही आए हुए थे। ये हमारी मुनानी, ये छंबे की है, और वो कह रहे हैं मैं इसका नाम मुनानी, मुनानी कोरियन में बोलते हैं बदसूरत को, वो कोरियन इसलिए इसको मुनानी बुलाते हैं कि इसको नज़र ना लग जाए। इलवा 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 इलवा, बात भी सुनते हैं, सुन 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 सुन। ये देखें हाथ भी दे, थाशी सुन थाशी सुन, छुपेगी सुन। सुन 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 सुन। ये है मुनानी की अम्मी जी, और वो मुनानी के अब्बा जी, और ये है मुनानी। चेकिंग स्टार्ट है भाई, गाड़ी नहीं जाने दुबई में, देखते हैं फिर।
ऑप्शन दिखाते हैं आपको। ऑप्शन चेक करें इसमें, पहले ट्रंक ऑटोमेटिकली ओपन होता है, मेमोरी सीट, ये है जी कूल सीट, ठंडी सीटें, हीटेड सीटें, आगे पीछे सेटिंग, हेड की सेटिंग, फिर ये जो ब्लाइंड फोल्ड है वो देखिए नीचे जा रहा है, और ये सीटों का मसाज सिस्टम है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे हैं इसके ये शॉक कड़ी के ऊपर करने के लिए, ये जो टीवी है टीवी की मूवमेंट है, टीवी उधर चली जाएगी, अब इधर आ जाएगी, अब ये गाड़ी ऊपर करने के लिए, मतलब गाड़ी ये जो टायर है ये चेक करें इस तरह हुए हैं, बटन दबाएंगे तो इसके टायर ऊपर हो जाएंगे, अब ये वाला बटन दबाते हैं, एयर और एयरमेटिक कंफर्ट स्पोर्ट्स कंफर्ट, मेरे ख्याल से अब ठीक हो जाएगी, स्पोर्ट्स मोड है और ये इसका गियर है, शिशकियाँ भाई हर सीट की लादा एडजस्टमेंट है, वॉच साउंड सुनाते हैं, V6 इंजन है, इसको बंद करते हैं, आए थे अभी वो वापस आ रहे हैं, दोस्तों को गुड बाय, वापस आ रहे हैं करके, अब हमारा भी रवाना होने का टाइम आ गया, अब लाइट करते हैं क्लोज और हम भी जाते हैं अपने घर को, डोर क्लोज, कि डॉग्स का खाना उनको डाल दिया गया, पानी डाल दिया गया, वाले का खाना भी इसको डाल दिया गया, जब इंजॉय करें यहाँ पे, हम चलते हैं वापस अपने घर, दरवाजे को करते हैं जी बंद और जाते हैं अपने घर को, दरवाज़ा लॉक हो गया, आप चलते हैं अपने घर को, वॉश कराने के लिए जाना था, लेकिन कोरियन की कॉल आई कि कहते हैं आओ मिल के कॉफ़ी पीते हैं, तो मैंने कहा चले पहले कॉफ़ी पी लेते हैं, गाड़ी कल भी वॉश हो जाएगी, तो चले अभी चलते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, तो उसको घर से पिक करने के लिए आया था,
यहाँ पे हमने ऑर्डर की आइस अमेरिकानो, मांगो स्मूदी और लेमनेड हॉट, ये हमने ऑर्डर की। हाँ जी, कॉफ़ी पी के कोरियन को घर उतारा है, तो अभी घर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। तो삼촌, 화면에 너무 잘 나와요. 잘생겨서 잘생긴 얼굴 그대로 나오네. 유튜브 하기 잘했다. 근데 무슨 말 하는 거예요? 삼촌 혼자 말하고 있는데, 영어도 아니고, 한국어도 아니라, 무슨 말 하는지 모르겠어요. 아, 막 운전을 하면서 코리아 어쩌고 यहाँ पे하면서 जो지금 막 कोरियन है말하고 वो कह रहा है있습니다. कि아, समझन, मतलब어디로 अंकल가고 या있는데 कृष्ण जो भी है, कि말을 आपने못ये하다 व्लॉग बना보니까 के어디로 बहुत अच्छा가는지 किया।모르겠고 तो जैसे आप प्यारे हैं, इतने प्यारा व्लॉग बना रहे हैं, हमें समझ तो नहीं आ रही आप क्या무슨 कह रहे हैं,의도로 लेकिन찍은 ये है영상인지 कि बहुत모르겠지만 अच्छा बता रहे हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक,아무튼 हम삼촌이 आपको나오니까 सपोर्ट करते재밌네요. रहेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कोरियन भी थोड़ा सा बना दिया करें, या इंग्लिश में, कि हमें समझ भी आ जाए। तो ये उन्होंने कहा कि समझो हमारे ये आई वाला क्लिप लाजमी लाजमी ऐड करना है बीच में, तो मैंने ऐड कर दिया। जी, हमारा वॉक का टाइम हो गया था, रनिंग के लिए आए हुए थे, तो देखा यहाँ से कोई साउंड उस साइड से आवाज़ें शवाज़ें आ रही थी, तो लिए चलते हैं। मेरे ख्याल से आज वीकेंड फेस्टिवल है, आपको दिखाते हैं कि कोरिया में वीकेंड फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है, तो वो दिखाने के बाद फिर वॉक करेंगे। चलें, चलते हैं, आपको वीकेंड फेस्टिवल पे ले चलते हैं।
방금 보인 녀석 짧은 순간이지만 제가 이만큼 하기까지 8개월 걸렸습니다. 다음으로 보여드릴 녀석 3년 걸렸고요. 제일 마지막에 보여드릴 녀석 4년이 넘게 걸렸습니다. 대단히 여러분 박수 드리고 감사합니다. 여기 형이 좋은 것 같아요. 그만큼 5만 원짜리 주셔가지고 그만큼 번제 뽑은 거예요. 진짜 너무 잘한다. 한 가지 당부 말씀 드리겠습니다. 이 녀석을 하다 보면 어느 순간 이 녀석이 여러분에게 가까워진 관찰이 될 수가 있어요. 근데 그거 착각 아니거든요. 피하시라고요. 누나 5만 원 준 거 안 아깝죠? 네! 그럼 끝나고 또 주세요. 네! 아우 좋다. 오늘 후경이 Baby, you give me ice and fire.
괜찮아요, 내가 해요. 혹시나 제 몸에 불이 붙거든 119 좀 불러주세요. 위로. इन चीज़ों को देख के ऐसे ही फील हो रहा था जैसे अपने गांव का मेला है और हमें अपने गांव के मेले में घूम रहा हूँ, लेकिन मैंने कोई चीज़ इतनी डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा था। वही जैसे मनियारी की दुकानें आती हैं, बच्चों के खिलौने, वो पटाखे, वो इरोनिके देखे ना, तो यकीन मैंने बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो गाँव में मेले का भी सीन था, तो लेकिन यार बहुत ही मज़ा आ रहा था। कैसा लगा कोरिया का फेस्टिवल? मैंने भी फेस्टिवल देख के अपनी वॉक कंप्लीट की है, पसीना पसीना। तो उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आपके साथ आपके पास फिर हाज़िर होंगे। अपना, अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।